बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आज की जो वीडियो है वो है हम लेडीज़ की सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट जो आइटम है मेकअप प्रोडक्ट्स में, लिपस्टिक्स। क्योंकि मेकअप ना भी करें, एक जस्ट आप लिपस्टिक लगा लें तो आप कहीं भी जा सकते हैं इजीली। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ कि कौन सी लिपस्टिक अच्छी है, कौन सी लिपस्टिक अच्छी नहीं है, कौन सी लिपस्टिक आपको लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो लिपस्टिक्स कितनी टाइप्स की होती है और इनको यूज़ कैसे करना होता है, ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जी अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो आप वीडियो में बने रहें, और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं करते, करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कितनी मेहनत से एक वीडियो को बनाते हैं, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा कि ये वीडियो कितनी मेहनत से बनती है। वीडियो को बनाना, एडिट करना बहुत मुश्किल होता है, ये सारा कुछ करना। चलिए जी चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ, ये मेरे पास है मिस रोज़ की पैलेट, ठीक है। तो ये जो बेसिकली होती हैं लिपस्टिक्स, इनको क्या बोलते हैं, क्रीम लिपस्टिक्स। जो तो आपको ये पैन में मिलती हैं, आप इनको ब्रश की मदद से लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक स्वेच करके दिखाती हूँ अपने, ये देखें इसका कलर पिगमेंट जो है वो कितना खूबसूरत है, ये देखें। चलिए अच्छा, ये वाली जो लिपस्टिक पैलेट है, ये अगर आप न्यूली मैरिड हैं या प्रोफेशनली आप काम करते हैं तो ये जो मिस रोज़ की ये वाली लिपस्टिक पैलेट है ना, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 1000, राउंड अबाउट 1000 में ये आपको इजीली मिल जाती है कहीं से भी। इनकी अपनी अपनी वेबसाइट से भी है, लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं, दराज पर भी पड़ी है, हर कहीं ये वाली जो लिपस्टिक पैलेट है ना ये मिल जाती है। और इसमें जो शेड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि आप इसको ईजिली कहीं जा रहे हैं इवेंट पर तो इसको बैग में आप कैरी कर सकते हैं, और आपके पास 15 शेड्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। 15 ही सॉरी, इसमें 16 शेड्स हैं, हाँ इसमें 18 शेड्स हैं इसमें। और आपको पता है 18 लिपस्टिक्स जो हैं वो हम अपने साथ कैरी करके नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है कि मतलब आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो इनका सेकंड जो है आर्टिकल वो इनका ये है मिस रोज़ का। तो ये देखिए, ये मेरा आर्टिकल जो है ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसके जो शेड्स थे वो बहुत प्यारे थे। मोस्टली इसके जो शेड्स हैं ना वो ब्राइट के लिहाज से अच्छे हैं, काफ़ी ब्राइट शेड्स हैं इसके अंदर। तो अब ये मैंने अपना सेकंड ऑर्डर करना है, तो अभी तक ये इनका आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है काफ़ी टाइम से, पता नहीं कब इनका रिस्टॉक होगा और मैं इसको अगेन ऑर्डर करूँगी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें टोटल 15 शेड्स आते हैं और इसमें 18 शेड्स आते हैं। इनको आप ब्रश की मदद से लगा सकते हो और फिंगर से लगा सकते हो। मैं तो इसको मोस्टली आईज मेकअप में भी यूज़ कर लेती हूँ, ये इतनी अच्छी चीज़ है। और उसकी दूसरी बात ये कि स्किन को सॉरी लिप्स के ऊपर बिल्कुल स्प्रेड नहीं होते, मेल्ट नहीं होते। लिप लाइनर लगाएं या ना लगाएं, दोनों सूरतों में ये काफी अच्छे स्टे कर जाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक और मिस रोज़ की लिपस्टिक पैलेट पड़ी थी। तो मैंने मैंने खुद भी काम करना होता है, वर्कर ने भी काम करता है। एक लिपस्टिक जो पैलेट है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सबको यूज़ करनी होती है बार बार। तो मैंने इसलिए इसके साथ की, क्योंकि ये काफ़ी मेरी रनिंग आइटम है, इसमें काफ़ी न्यूड शेड्स हैं, पिंक के शेड्स हैं, और डार्क मरून है, रेड है, ब्राउन है, पिंक है, सारे शेड्स इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ये और ऑर्डर कर रही थी जो कि मुझे ये वाली रिसीव हुई है। तो चलिए अब हमारे पास दो ये पैलेट हो गई, तो हमें काम करना ज़रा ईजी हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक वो वाली बनाऊंगी कि किट दिखाऊंगी, कि जो जब ये किट्स नहीं थी, काफ़ी पहले की बात है, 5-6 साल पहले की, तो मैंने एक अपनी जो थी लिपस्टिक पैलेट वो बनाई थी। ये जो कंटेनर बॉक्स था ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से, और मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक थी, जिसमें मेबलिन की थी मोस्टली, मिडोरा की थी, क्रिस्टीन की थी, रिवाज की थी, ये जितनी भी लिपस्टिक थी ना मैंने उनको निकाल निकाल के, उनको मेल्ट करके इनके कंटेनर्स में ऐड कर दिया था। ये मेरी जो थी ये DIY लिपस्टिक जो थी पैलेट, ये मैंने खुद बनाई थी, और इसको मैंने यूज़ भी काफ़ी किया। फिर जब से ये आने लग गई तो पता नहीं क्यों ये बेचारी जो है ये नज़र से ओझली हो जाती है। ये देखें, इसके जो शेड्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, ये देखें। लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, कि मैं इसको इतना यूज़ क्यों नहीं करती। हालांकि ये मेरी काफ़ी महंगी थी, रेडी हुई थी। अच्छा जी, ये तो होगी क्रीम लिपस्टिक। उसके बाद आ जाते हैं अपनी ये बुलेट लिपस्टिक की तरफ। बुलेट लिपस्टिक वो लिपस्टिक होती है जो हमें इस फॉर्म में मिलती है, ये देखें। अच्छा, बुलेट लिपस्टिक ना ज़्यादातर मेरे पास मिस रोज़ की हैं, क्योंकि मिस रोज़ की जो लिपस्टिक्स हैं ना वो मैट में भी हैं, और उसके अलावा इसके कलर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको ज़्यादा न्यूड की वैरायटी मिल जाती है, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें ये देखें, ये मेरे पास मिस रोज़ का है, 45 है इसका ये वाला शेड। उसके बाद मेरे पास मिस रोज़ का ये वाला शेड है, ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था। आई थिंक इन दोनों के शेड्स काफ़ी सिमिलर हैं। उसके बाद मेरे पास मिस रोज़ का ये वाला है, ये रेड कलर है,
और ये है रूबी लश कलर 04 नंबर। उसके अलावा ये है, ये अच्छा जो इन विसरोज के शेड्स जो है ना, वो इस तरह के शेड्स हैं कि चाहे आप कूल अंडरटोन के हो, वार्म अंडरटोन के हो, ये आप पे बहुत अच्छे चल जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये जो है सारी लिपस्टिक ये मिस रोज़ की हैं। ये चाहे आपका कलर बहुत फेयर है, चाहे डार्क है, चाहे मीडियम है, ये शेड आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद इसका जो ये वाला कलर है, ये देखें, ये भी काफ़ी खूबसूरत कलर है। उसके बाद आ जाते हैं, ये मेरे पास है। अच्छा, ऑनलाइन चीज़ बाय करने में ना एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके पास कभी शेड जो है वो अच्छा नहीं भी आता। तो ये लगी हुई थी बाग गैलरी पे डील्स, तो डील्स में मैंने कर ली थी, तो ये वाला, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला तो काफ़ी अच्छा पर्पल कलर है। ये है मेरे पास मेबलिन की लिपस्टिक एक, ये, और उसके अलावा ये भी मेरे पास है मेबलिन की, जो के है ये वाला शेड है, ये काफ़ी न्यूड है, ये मतलब के जिनको बहुत सॉफ्ट मेकअप चाहिए ये उसमें ये कलर यूज़ होता, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद ये भी मेरे पास है मेबलिन की लिपस्टिक, जिसका शेड नंबर है 10। ये बहुत पहले इस तरह के गोल्डन लिपस्टिक जो थी वो एज अ टॉपर लिपस्टिक के तौर पर यूज़ होती थी, लेकिन अब उस चीज़ का थोड़ा सा ट्रेंड नहीं है। उसके अलावा जी आ जाते हैं, ये भी मेबलिन के आर्टिकल्स हैं। अच्छा, ये वाला कलर बहुत प्यारा है, ये पीकी पिंक टाइप शेड है। ये देखें, इनकी टिप देखें मैंने कितनी ख़राब कर दी, क्योंकि मैं मोस्टली ब्रश से लगाती हूँ तो टिप जो है ना वो मेरी लिपस्टिक की ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, ये देखें, ये भी मेबलिन का है, कलर शो बिग एप्पल रेड 209। ये रेड शेड है मेबलिन का, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, और ये देखें बस इतना सा पड़ा है, क्योंकि मैं ब्रश से यूज़ करती हूँ इसका। ये वाला जो रेड है ना, ये काफ़ी खूबसूरत रेड कलर है, ब्राइड्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा कलर है ये। उसके बाद ये वाली जो है, ये भी मेबलिन की है, और ये देखिए, ये है ऑरेंज कलर, क्योंकि अब ऑरेंज कलर की लिपस्टिक का कोई इतना खास ट्रेंड नहीं है, तो ये बेचारी ऐसे ही पड़ी है, इसको अभी तक इतना यूज़ नहीं किया मैंने। उसके बाद जी ये आ गया अगेन वही शिमरी सा स्किन कलर। उसके बाद ये मेरे पास है क्लेवर कैट की लिपस्टिक, ये देखें, बहुत प्यारा सा फ्रेश पिंक कलर है, जो कि कूल नटोन वालों पे बहुत प्यारा लगता है, ये ब्लैक ड्रेस के साथ स्पेशली बहुत खूबसूरत लगता है। चलें जी, उसके बाद आ जाते हैं, चलिए जी, सबसे पहले हमने बात की क्रीम लिपस्टिक के, फिर हमने बात की बुलेट लिपस्टिक पे, अब हम आ जाते हैं अपनी मैट लिपस्टिक के ऊपर। अच्छा, मैट लिपस्टिक जो है ना वो आजकल बहुत इन है, मोस्ट ट्रेंडिंग जो आइटम है ना वो मैट लिपस्टिक्स है, लेकिन मैट लिपस्टिक को लगाने का भी एक तरीका होता है। आपने जब भी मैट लिपस्टिक की एप्लीकेशन करनी है, तो कोशिश करें पहले से अपने जो लिप्स हैं उसको मॉइस्चराइज कर लें, ताकि जो आपकी लिपस्टिक है वो केकी ना लगे, वो फटे ना, और वो काफ़ी अच्छे से स्किन के ऊपर डील करें। ये देखें जी, ये मैट लिपस्टिक जो होती हैं वो कुछ इस तरह की होती है। अच्छा, मुझे मोस्टली ना मैट लिपस्टिक्स में ना मिस रोज़ की पसंद है, इनका फॉर्मूला इतना प्यारा है, बहुत क्रीमी फार्मूला है इनका, बहुत ज़्यादा ओवर मैट नहीं लगती स्किन के, सॉरी लिप्स के ऊपर, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, और इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, जबकि मैंने बहुत सी मैट लिपस्टिक देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। मिस रोज़ की जो मेरी मोस्ट फेवरेट आइटम है ना, वो इनकी मैट लिप ग्लोसेस और लिपस्टिक्स हैं, क्योंकि इनकी फॉर्मूलेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छी की हुई है। ये देखें, ये मेरे पास है 08 नंबर। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं लिपस्टिक्स ऑर्डर करूँ मिस रोज पे स्पेशली, तो वो वाली ऑर्डर करूँ जिनकी डील्स लगी होती हैं। ये देखें, ये कलर देखें, ये बहुत प्यारा सा मरून शेड है। अच्छा, मैं इसको ना मोस्टली ब्राइड्स के ऊपर ना आउटलाइन देने के लिए यूज़ करती हूँ, लिप पेंसिल जो है वो मैं कम यूज़ करती हूँ, तो मैं इस वाले से आउटलाइन देख के फिर अंदर रेड कलर जब लगाती हूँ, तो वो ये बहुत प्यारा सा इफेक्ट आता है। ये देखें, ये वो वाला कलर है जो आप पार्टी मेकअप में और वलीमा ब्राइड पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, कितना खूबसूरत शेड है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मिस रोज़ की जो ये वाली लिपस्टिक्स हैं, सॉरी लिप ग्लॉसेस हैं, ये वाले लिप ग्लॉसेस भी मिस रोज़ के बहुत अच्छे हैं, फॉर्मुलेशन इनकी बहुत अच्छी है, बहुत क्रीमी है, बहुत मज़े से अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन एप्लीकेटर जो है ना वो मुझे इस वाले का ज़्यादा अच्छा लगा, इस वाले का एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके ना लिप्स के ऊपर जो लिपस्टिक्स है जो वो लग जाती है। ये देखें, ये अगेन वही थोड़ा उससे मरून से कम, ये रेड की टोन में है शेड, और इसका नंबर है 06। उसके बाद अगेन ये देखें जी, मेरे पास फिर से 06 आ गया, चलें इसको फिर नहीं करते। और इसके बाद आ गया है ये जी 04 नंबर, 04 भी इनका बहुत प्यारा शेड है,
04 को, और इस वाले कलर को मैं मोस्टली मिक्स मैच में यूज़ करती हूँ, ये वाला और ये वाला। अच्छा आप ना कोशिश किया करें कि एक ही फैमिली के ना दो, एक लाइट एक डार्क कलर को लेके, तो डार्क की आउटलाइन दें और उसमें आप फिर जो लाइट शेड है वो वाला लगाएं और उसकी फिर ब्लेंडिंग कर दें, तो इतना प्यारा सा इफेक्ट आता है ना, बहुत मज़े के लिप्स लगते हैं। चलिए जी, उसके बाद आ जाते हैं मिस रोज़ के ये वाले आर्टिकल जो हैं। अच्छा इसमें मेरे पास जो अगेन 08 और 07 शेड है, चलिए जी 07 का जो है ना ये मैं आपको करवाती हूँ। ये देखें इसके अंदर के एप्लीकेटर भी सेम वैसा ही जैसे वो मैंने छोटे साइज़ वाली आपको दिखाई दी। ये देखें ये तकरीबन रेड में आ जाता है, ये भी रेड में आ जाता है, और ये भी थोड़ा सा रेडिश टाइप ही है। और ये आ गया इसका 08 नंबर, जो कि ना शॉकिंग पिंक है ना रेड है, बहुत मज़े का, बहुत बीच का शेड है ये वाला। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं ये इनकी तरफ, ये हैं मिस रोज़ के मैट लिप ग्लॉसेस। अच्छा मिस रोज़ ने ना अपने लिप ग्लॉसेस के और लिपस्टिक के बहुत से आर्टिकल निकाले हैं, ये देखें ये 07 नंबर है, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मैंने ये वाला यूज़ किया था। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं इस वाले शेड पे, जो कि चाहे आपका स्किन कलर जो है वो डार्क है फेयर है, ये दोनों पे चल जाएगा और ये बहुत प्यारा लगता है ये शेड लगा हुआ, ये देखें। और ये नंबर है 19। अच्छा जी उसके बाद हम आ जाते हैं ये मिस रोज़ के मेरे पास, और हाँ आई थिंक मिस रोज़ के और नहीं है इस वक्त। चले जी अब आ जाते हैं इनके ऊपर। अच्छा मिस रोज़ के ना ये जो लिप टॉपर है ये ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, मैंने एक और ऑर्डर करके मंगवाया है ये वाला, ये शेड होता है मिस रोज़ के जो लिप टॉपर का, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन यूज़ कर करके मैंने इसको पिंक कलर का बना दिया है। अच्छा ये मैं जब ये सॉरी मैट लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ तो 5 मिनट का स्टे देके ना उसके बाद मैं ना इसको ना थोड़ा, क्योंकि आपको पता है अब वो मैट लिपस्टिक वाला जो है ना मैट इफेक्ट जो है वो उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है, तो उसके लिए अब जाहिर है जो इतने सारे हमारे पास मैट लिप ग्लॉसेस पड़े हैं इनको फेंकना तो नहीं है ना, तो इनको अपने रीयूजेबल में लेके आना है। तो उसका क्या करती हूँ मैं जुगाड़ ये लगाती हूँ कि मैं लिपस्टिक को लगा के उसके ऊपर से ये जो ट्रांसपेरेंट होता है मैट सॉरी लिप ग्लॉस ट्रांसपेरेंट ये मैं लगा देती हूँ 5 मिनट का स्टे देके, तो ये इतना प्यारा लगता है ना बाद में, फुल लिप्स आपकी जो है ना वो ग्लॉसी हो जाते हैं। अब देखिए ये पहले वाले दो कलर चेक करें, इनमें ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है, जो आगे वाले हैं वो मैट हो गए हैं, तो ये मैं जुगाड़ लगाती हूँ। इसीलिए मैंने ये मेरा काफ़ी कलरफुल सा हो गया था, ये मैंने एक और मंगवा लिया, और इसके साथ मैंने एक ये है फ्लोरेंस ब्यूटीफाई पे आमना का, तो ये भी मैंने मंगवाया था, ये भी बेसिकली लिप टॉपर ही है कि मतलब आप कोई सी भी लिपस्टिक लगा लेते हो, इसमें थोड़ा सा अपना भी टिंट है ऑरेंजिश टाइप है, ये थोड़ा सा आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो जब मैं इस तरह की लिपस्टिक लगाती हूँ उसके ऊपर मैं ये वाला जो है लिप टॉपर ये लगा देती हूँ, तो क्या होता है कि जो मेरी ये लिपस्टिक्स है वो थोड़ी सी शाइनी थोड़ी सी ग्लॉसी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा काशीज़ की जो ब्राइड्स होती हैं उनकी जो लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी होते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं, काफ़ी शाइन कर रहे होते हैं। अच्छा जी उसके बाद आ जाते हैं ये जी हमारे टीवी पॉलर के मैट लिप ग्लॉसेस। अच्छा जो टीवी पॉलर के मैट लिप ग्लॉसेस हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी रीजनेबल हैं। अच्छा मेरी वीडियोस जो होती हैं ना वो मोस्टली क्या होती हैं कि अफोर्डेबल वे में बनाती हूँ, तो टीवी पॉलर के जो लिप ग्लॉसेस हैं उनमें मेरे पास ये शेड्स हैं, इसमें मेरे पास ना न्यूड शेड्स हैं, क्योंकि पार्टी मेकअप में आपको पता है कि न्यूड शेड्स ही ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए मैंने न्यूड लिए हुए हैं। ये देखें इसमें मेरे पास 202 है, ये देखें और इसमें मेरे पास है 230, टू जीरो नाइन, अच्छा ये देखिए ये पिंक कलर कितना प्यारा है, और इसका शेड नंबर जो है वो है 203। अच्छा इसका जो ये वाला शेड है ना ये वाला, इसको मैं मोस्टली मिक्स एंड मैच में यूज़ करती हूँ इस वाले शेड के साथ, ये जो मैंने स्टार्ट में पहला शेड लगाया था इस वाले के साथ, इस वाले के साथ इसको मिक्स एंड मैच करती हूँ, और इसका जो नंबर है वो है 248। उसके बाद ये आ गया हमारे पास ऑरेंजिश रेड, ये देखें ठीक है। उसके बाद अगेन मेरे पास ये 202 जो थे ये मैंने डबल ऑर्डर कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है जी ये हमारे एमली की। अच्छा एमली का मैंने एक ही मंगवाया था, लेकिन इसके जो है ना एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है, अब ये देखिए ये मेरा कंप्लीट जो कि ख़त्म हो चुका है, ये देखें इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, वलीमा ब्राइड में ये बहुत खूबसूरत लगता है।
एमली की लिपस्टिक इंशाल्लाह मैं अगेन मंगवाऊंगी, इनकी लिपस्टिक बहुत अच्छी हैं, सॉरी लिप ग्लॉसेस। उसके बाद ये मेरे पास है रिवाज का, सॉरी ग्लैमरस का। अच्छा ग्लैमरस के और थे लिप ग्लॉसेस, वो कहाँ गए? ये भी देखें, ये भी बहुत प्यारा सा ऑरेंजिश रेड है। अच्छा इनकी एप्लीकेशन का यही मेरे ख्याल में बेस्ट मेथड है कि आप ना इनको यूज़ करने से पहले ना थोड़ा सा अपने फेस लिप्स को ना मॉइस्चराइज कर ले। उसके बाद ये मेरे पास हैं क्लेजोना के, क्लेजोना के आपको पता है कि बहुत अच्छे हैं, 555 नंबर है, जो कि ब्लड रेड कलर है और बहुत खूबसूरत रेड है। ये देखें फर्स्ट डे की ब्राइड पे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। अच्छा ये भी बहुत जल्दी ना ड्राई नहीं होते मोस्टली, जैसे कि लिप ग्लॉसेस मिस रोज के भी इतनी जल्दी खैर ड्राई नहीं होते। ये देखें ये थोड़ा सा पर्पलिश टाइप कलर है और ये है 536। अभी इंशाल्लाह इसके मेरे और भी शेड आने हैं। ये आ गया, ये भी बहुत खूबसूरत रेड कलर है 536 में। अच्छा उसके बाद ये मेरे पास है लॉरियल पेरिस की लिपस्टिक प्लस। अच्छा इसके ना एक साइड पे ना उन्होंने अपनी एक मॉइस्चराइजिंग स्टिक टाइप दी, जो कि मैंने यूज़ कर कर के ये देखें ख़त्म हो गई है मेरी। तो मैं पहले ये लगा लेती थी, ये काफ़ी लिप्स को मॉइस्चराइज करती है। उसके बाद ये इधर है इनका लिप ग्लोस ये वाला, तो ये इस तरह के लिप ग्लोसेस जो है ना वो काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। और ये मेरे पास लोरियल का है ओरिजिनल, काफ़ी महंगा आया था ये। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं इनकी तरफ, ये वो लिप ग्लोसेस हैं जो कि नहीं खरीदने मैंने। ये देखें ये वो वाले, अच्छा ये वाले जो लिप ग्लॉसेज है ना, ये वाले, ये आपने देखा है आजकल भरमार हुई पड़ी है इन लिप ग्लॉसेज की दराज पे, तो ये मुझे काफ़ी सस्ते नज़र आए तो मैंने कहा चले जी ले लेते हैं। लेकिन ये बहुत बकवास लिप ग्लॉसेज है, ये देखें बिल्कुल ही अजीब से हैं, लिप्स के ऊपर लगाते ही आपके लिप्स को ना बड़ा केकी सा कर देते हैं। तो जो ये वाले इस शक्ल के जो लिप ग्लॉसेज है ना, वो आपने ऑर्डर नहीं करने, नहीं मंगवाने। ये देखें इनकी शक्ल देख लें, ये कौन नाम क्या है इनका, नाम है मीट मैट हैक्स। ये देखें जो ये वाले हैं लिप ग्लॉसेस, ये दराज पे पड़े हैं और ये अपने नहीं लगाने, बहुत बुरे लिप ग्लॉसेस हैं। और ये 632 मैंने किसी को ऐसे ही दे दिए उठा के। उसके अलावा ये भी मैंने लिए थे लोकल मार्केट से, जो कि बहुत ही बुरे हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो गए। ये वाले इस तरह के भी जो लोकल मार्केट में पड़े होते हैं ना, आपको 200-250 के मिल रहे होते हैं, आप ना लें, कोशिश करें कि 200-250-300 की रेंज में ना ये मिस रोज के जितने भी लिप ग्लॉसेज हैं ये भी मिल जाते हैं। तो कोशिश करें आप वो ले लें, क्लेजोना का ले लें, ये भी 500 में मिल जाता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है ना इनमें वो ये क्लेजोना के अच्छे हैं लिप ग्लॉसेस। उसके बाद टीवी पॉलर का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के जो मिलते हैं ना 100-200-250 में, वो ना लिया करिए, तो आपको लिप्स को बहुत ज्यादा ब्लैक कर देते हैं। उसके अलावा ना ये बहुत केकी सा इफेक्ट देते हैं, आप बहुत बुरे लगते हैं। ये वाले जो है ना ये नहीं लेने, ये वाले जो है इस तरह के जो भी मिलते हैं, और ये वाले भी नहीं लेने, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास है जी मेबलिन का मैट, इनको ये देखें, पहले ना काफी पहले तकरीबन 1.5 साल पहले ज़रा वो स्किन के साथ, पर्पल स्किन के साथ इस तरह के कलर का ना काफ़ी ट्रेंड आया था, तो मैंने ऑर्डर कर लिए थे। लेकिन ये बहुत प्यारा कलर है, ये भी मैंने किया था बाग गैलरी से, वहाँ पे इनकी सेल लगी थी और सेल में मुझे ये मिल गया था तकरीबन 1200-1300 में, काफ़ी मुझे रीजनेबल पड़ा था। तो मैंने, मेरे पास ये वाला शेड नहीं था तो मैंने ऑर्डर कर लिया। ये थोड़ा पर्पलिश पिंक है, बहुत खूबसूरत शेड है। चलें जी आज की जो मेरी वीडियो थी वो होती है ख़त्म। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे कि आपको इनमें से कौन सा लिप कलर जो था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप ना थोड़ा सा आप भी प्यार दिखाया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। चलिए जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।